जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ला हर बछर के जैसे एदारी घलो 23 सितंबर के मनाबो, जउन ला पहली दारी बछर 2018 मा अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के हिस्सा के रूप में मनाए गे रहिस। और तभी चले 23 सितंबर के दिन ला दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनावत आवत हन। सांकेतिक भाषा दिवस के महत्व ला संयुक्त राष्ट्र महासभा बाधिर लोगन मन के मानवाधिकार मन के पूर्ण प्राप्ति मा सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे मा जागरूकता बढ़ाए बर बछर 23 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप मा घोषित करी हैं। ये दारी सांकेतिक भाषा दिवस बछर 2024 के विषय हरय सांकेतिक भाषा अधिकार मन बर पंजीकरण करना। लाखों बधिर मनखे ह खुद ला अभिव्यक्त करे बर और दुनिया ले जुड़े रहे बर सांकेतिक भाषा ह बड़ जरूरी हवे। त संगवारी हो, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मा हम सबो ह बधिर समुदाय के समृद्ध संस्कृति और पहचान ला स्वीकार करबू और ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन ला सांकेतिक भाषा सीखे बर और ओखर समर्थन करे बर प्रोत्साहित करबू। यही संकल्प लेवत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक मा देखबो। रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच चल ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, प्रधानमंत्री है प्रदेश ला दूसरा वंदे भारत ट्रेन ला हरा झंडी दिखा के करी रवाना। राज्यपाल रामेन डेका के उपस्थिति में रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह के हो संपन्न। 10 दिन तक ला चले ये समारोह में देश के कई प्रसिद्ध कलाकार मन है अपन कला के करी मंचन। लोगन मन में अंधश्रद्धा ला रोके बर राजधानी रायपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन प्रशिक्षण शिविर के होइस आयोजन। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बलरामपुर जिला में विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहट में 20 बछर के बाद पहुंची बिजली। और राजनांदगांव में आकर्षक झांकी निकाल के भगवान श्री गणेश के मूर्ति ला करीन विसर्जन। पौराणिक कथा मन ऊपर आधारित झांकी मन ला देखे बर उमड़ी लोगन मन। छत्तीसगढ़ ला दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सौगात मिले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा वर्चुअल माध्यम ले हरा झंडी दिखा के ट्रेन ला रवाना करीन है। ये ट्रेन हा दुर्ग ले विशाखापट्टनम के बीच में चल ही और ये मौका मा रायपुर रेलवे स्टेशन मा भव्य कार्यक्रम के आयोजन राखे के रहने है, जौन मा राज्यपाल, रेल अधिकारी और कई जन गणमान्य नागरिक मन हा घलोक उपस्थित रहन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा छत्तीसगढ़ ला दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सौगात दे है। प्रधानमंत्री हा वर्चुअल माध्यम ले हरा झंडी दिखा के ट्रेन ला रवाना करीन है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव घलो कार्यक्रम मा वर्चुअल माध्यम ले शामिल रहीन। ये ट्रेन हा दुर्ग ले विशाखापट्टनम के बीच में चल ही। पहली दिन ये ट्रेन हा रायपुर रेलवे स्टेशन ले शुरू होइस। ये मौका मा रायपुर रेलवे स्टेशन मा भव्य कार्यक्रम के आयोजन राखे गे रहीन है। सहनाई बादल ले ये ट्रेन के स्वागत करेगी से। ये कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका के संगे में ही रेल अधिकारी और गणमान्य नागरिक मन हतको मौजूद रहीन है। ये मौका में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ला छत्तीसगढ़ बड़ सौगात बताई है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देशवासियों को सौगात देते ही रहते हैं। इसी कड़ी में वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली यह ट्रेन दो राज्यों को जोड़ेगी और जो सफ़र हम अपने पारंपरिक ट्रेनों से करते थे 12 से 14 घंटे में, वह हमें 8 घंटे में वो सफ़र तय होगा। तो एक बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चक्रधर समारोह के आखिरी दिन रायगढ़ जिला में राज्यपाल हा कार्यक्रम में उपस्थित हुईन और वहाँ उपस्थित लोगन मल्ला संबोधित करीन है। यह मौका में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पारंपरिक गेड़ी नाच के संग में देश के प्रख्यात कवि मनहतको कविता के पाठ करीन है।
रायगढ़ जिला में आयोजित चक्रधर समारोह के समापन समारोह में राज्यपाल रामेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समापन समारोह के आखिरी संझा बेरा में राज्यपाल रामेन डेका दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के आगाज करीन हैं। एकर बाद वह दर्शक मन ला संबोधित करीन और कहीन कि ये पावन बेरा में जब हमन हा सबो छत्तीसगढ़ के संस्कृति धरोहर चक्रधर समारोह में एकत्रित हुए हन तब मोला गर्व और हर्ष के अनुभूति हुआ थे। ये मंच हमर संस्कृति के पहचान हरे। छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है और हमारा जो कल्चर है दोनों का मिलजुल है। आप लोग का वो लोग ब्रिटिश का टाइम में यहाँ से आसाम गया है और आसाम से एक कल्चरल जो संबंध है उसको हम लोग गौरवा देना है। बस माई फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ जो दोनों प्रदेशों का जो कल्चरल ताई है उसको बढ़ावा देना है। दर्शक दीर्घा में बैठ के महामहिम राज्यपाल रामेन डेका असामी बिहू लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पारंपरिक गेड़ी नाच और देश के प्रख्यात कवि मन के कविता के पाठ के आनंद लेन है। समाज में फैलत अंधविश्वास ला रोके के उद्देश्य ला लेके रायपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करेगी रही से। ये शिविर में विज्ञान और तर्क के माध्यम ले चमत्कार के व्याख्यान करीन। जादू टोना के नाम में बाढ़त अपराध ऊपर लगाम लगाए बर कड़ा कानून के संग में वैज्ञानिक चेतना के जरूरत बताई है। परम शक्ति के प्रति विश्वास ला चमत्कार के नाम में अंधश्रद्धा में बदले ले रोके बर रायपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करेगी रही से। छत्तीसगढ़ तर्कशील परिषद कोती ले विज्ञान और तर्क के माध्यम ले चमत्कार मन के व्याख्यान करेगी। संगे में ही ऐसे चमत्कार मन ला दिखाई जेकर पीछे वैज्ञानिक कारण हवे। अपने हाथ पर रखता हूँ तो 3 से 3.5 सेकंड तक कुछ नहीं होता, उधर से उधर इधर से उधर मुंह में डाल दिया। जलने लेके के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मुंह जब मैं बंद करता हूँ उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, अपने आप को बुझ जाती है। तर्कशील परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर आर के सुखदेव बतैन है कि पूरा प्रदेश में इसी तरह ले अंधविश्वास फैलत है और लगातार टोनही और जादू के नाम में अपराध पाढ़त जाते हैं और ऊपर लगाम लगाए बर कड़ा कानून के बड़ जरूरत हवे। और हमारी संस्था सामाजिक उन्मूलन बर लगातार ऐसे आयोजन ला करत आवत है। टोनही के नाम से 4 हत्याएं कल हुई है और आज दक्षिण बस्तर में भी 5 लोगों की हत्याएं अंधविश्वास के कारण से हुई है। तो ये हत्याएं सतत हैं छत्तीसगढ़ में। ये हत्याएं को हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। इन्हीं हत्याओं के खिलाफ हम जागरण करना, जन जागरण के उद्देश्य से ये इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया है। कि महाराष्ट्र में कानून है कि ठगी प्रथा के खिलाफ है, अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही कानून है, टोनही प्रथा का कानून है। उन्हें प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो बर आए लोगन मन हा इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता बतैन और कहीं कि गांव-गांव मन में वैज्ञानिक चेतना ल फैलाए के जरूरत हवे। साइंटिफिक कोई सिस्टम चमत्कार दिखा रहा हूँ करके साइंटिफिक दिमाग लगाते हैं, उसका हम वहाँ पर भंडा फोड़ करेंगे। जैसे कि अब जीभ में त्रिशूल को घुसा देना और हाथ काट देना, तो ये सब हम करते भी हैं। अभी ट्रेनिंग लिए हैं उसमें, सीखे हैं, हम हाथ भी काटते हैं, उसको जोड़ते भी हैं और उसमें वो है वैज्ञानिक तर्क है। वो कोई जादू नहीं है, टोना नहीं है, ना कोई मंत्र तंत्र नहीं है, वो सिर्फ हाथ की सफाई है। ये बेरा पा वैज्ञानिक चेतना फैलाने वाला साहित्यिक पुस्तक मन के प्रदर्शनी तक को लगाए रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहट में बीते 20 बच्छर के बाद प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत में ग्रामीण मल्ला बिजली पहुंचे है, जेखर सेती ग्रामीण मन के चेहरा में अलगे ही खुशी दिखाई देवा थे। अब यहाँ के ग्रामीण मन अंधियारी रथिया के जिंदगी ले बाहर आ गए है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में पिछड़े विशेष जनजाति के बसाहट में 20 बच्छर के बाद प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत घर मन में बिजली पहुंचे है। बलरामपुर जिला में राजपुर विकासखंड के भेसकी जिहां पहाड़ी कोरवा जिहां विशेष पिछड़ी जनजाति आते, ग्रामीण महिम के कहना हवे कि बिजली नहीं होय के सेती स्कूली लैका मन के पढ़ाई बड़ प्रभावित होवत रहिस
और अंधियार में ही मल्ला गुजारा करे बर पड़त रहीस। गांव के सरपंच ह कहिन है कि अब स्थिति ह बदल गए है और ग्रामीण मन के घर में रोशनी आ गए है। एक ही बात, बहुत दिन तक लोग वंचित थे लाइट के लिए, लाइट अभी इस महीना में लाइट लगा है कि इनको कुछ लाइट का रोशनी प्रकाश की सुविधा से अभी इन लोग हैं, बाल बच्चे लोग लड़के लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और भी अच्छे से इन लोग हैं। उन्हें जिला के कलेक्टर रीमी जुएस एक का बताइन है कि जिला में 235 अलगे अलगे जगह में पहाड़ी कोरबा के बसाहट है, जौन में 5070 लोगन मन निवासरत है, जे माँ 1011 घर में बिजली नहीं पहुंच पाए रही और ये घर मन में विद्युत कनेक्शन के मंजूरी तक को मिल गए है, जेखर बाद लिए अब सबो छूटे हुए घर मन में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिजली पहुंचाए के कारज चलत हवे। ये अभियान प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के जो हमारे जिले में पहाड़ी कोरबा निवास है ऐसे कुल 235 है हमारे जिले में और लगभग 5070 की संख्या में हाउसहोल्ड निवासरत छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं। तो 235 गांव के हिसाब से हम लोगों ने जो बिजली जो नहीं पहुंची थी ऐसे 1011 परिवार हैं जिले में, तो ये पूरी की पूरी स्वीकृति हमने विद्युत मंडल से प्रस्ताव भेजा था विभाग के माध्यम से और यहाँ से 1011 की स्वीकृति मिली है, 400 से ज़्यादा परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई गई है। अब ऐसे ही पहाड़ी कोरवा के घर मन में विकास के उजाला हा पहुंचा थवे। कोनो जगह छत्तीसगढ़ संस्कृति के झलक त कोनो जगह पौराणिक कथा मन पर आधारित झांकी के संगे में ही कई अवतार में गणेश झांकी हा राज्य के अलगे अलगे हिस्सा में देखे बर मिलिस। भगवान गणेश ला विदा दे बर जनसैलाब उमड़े रहीस और गणेश विसर्जन के मौका में शांति व्यवस्था राखे बर पुलिस विभाग घलोक सुरक्षा बर जगह जगह में पुलिस बल ला तैनात करे रही है। राज्य के अलगे अलगे हिस्सा में आकर्षक झांकी निकाल के भगवान श्री गणेश के मूर्ति ला विसर्जित करीन। यही कड़ी में राजनांदगांव में एक ले बढ़ के एक झांकी निकाले गए रहीस। ये झांकी मन ला देखे बर सड़क में जनसैलाब उमड़े रहीस। झांकी मन में एक कुती जिहां छत्तीसगढ़ के संस्कृति के झलक हा देखे बर मिलीस तो उहे दूसर कोती पौराणिक कथा मन पर आधारित झांकी ला लोगन मन हा बढ़ सराहीन। बड़े बड़े आर्च में जगमगावत लाइट के बीच ये झांकी मन में रामलला मत्स्य अवतार शिव बारात श्याम खाटू कृष्ण लीला हनुमान लीला के संग में ही कई पौराणिक कथा मल्ला प्रदर्शित करेंगे रही। वहीं जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल बताइन है कि आयोजन समिति है झांकी मन में विविधता ला प्रमुखता दे रही है। राजनांदगांव की बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली परंपरा है यहाँ के गणेश की झांकी और जैसा आज हम सब लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर झांकियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और धीरे धीरे करके सारे अपने अपने स्थान से प्रस्थान करके एक एक करके जाएंगी अलग अलग और दर्शकों का भी आप लोग देख रहे हैं कि हुजूम यहाँ पे आने लगा है और लगभग ये होल नाइट ये झांकियाँ यहाँ पे चलती हैं और इस बार विशेष रूप से जो है राजनांदगांव की सभी झांकी मंडलियों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बहुत ही जैसे संस्कार धानी राजनांदगांव का नाम है तो संस्कार धानी के नाम के अनुरूप हम लोग बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इस बार हम लोग देंगे और वो आज नजारा दिख भी रहा है। विसर्जन झांकी के बेरा में शांति व्यवस्था ला कायम रखे बर पुलिस विभाग हा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे रहीन और 700 ले ज्यादा पुलिस बल ला तैनात रखे रहीन। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग बताइन है कि असामाजिक तत्व मनु पर ड्रोन कैमरा ले निगरानी के व्यवस्था करे रहीन है। 700 से ज्यादा का बल हम लोगों ने लगाया है, पिछली बार से काफी ज्यादा बल इस बार हम लोगों ने लगाया ताकि किसी भी तरह से पब्लिक को कहीं पे असुविधा ना हो। पहले से ही पूरे रूट प्लान्स पब्लिश कर दिए गए थे, जो चौक चौराहे हैं जो रूट के अंदर नहीं आते हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, सभी जगह पे फोर्सेस लगाई गई हैं। और हर बछर की जैसी दारी खलो का राजनांदगांव नगर निगम कोती ले उत्कृष्ट झांकी बर पुरस्कृत करेगी से। संगवारी हो और मिलबो इतवार के इही बेरा मा एक ठन नव अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो विदा, जय जोहार।